वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रू एंड फॉल्स सीरीज, राइट? सो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जो लगभग काफी सारे आरटीपी में रिपीट हुआ है, ठीक है? और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा इसे भी देख लेते हैं एक बार. सो जैसे कि आप देख रहे हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन, द डेबिट नोट इश्यूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, चलिए देखते हैं इसे. तो सबसे पहले मैं इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको दूं, सो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं कहूं, एक ट्रांजैक्शन हुआ है ऑफ सेल बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, ठीक है? सो यहां पर इनवॉइस बनाया जाता है बाय द सेलर. सेलर एक इनवॉइस बनाता है और बायर को देता है, और उस इनवॉइस के दम पे ये जर्नल एंट्री पास करेगा. बायर क्या एंट्री पास करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर, राइट? और सेलर क्या एंट्री पास करेगा? बायर के अकाउंट को डेबिट करेगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा. दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है? अब हो सकता है कि वो गुड्स अप टू द मार्क ना हो, इसलिए बायर ने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया. अगर उसने रिटर्न किया तो अब भी तो मुझे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट लगेगा ना जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है? हमें यहां पर जर्नल एंट्री भले ही मालूम है कि बायर यहां पर एंट्री क्या करेगा, ये करेगा सेलर के अकाउंट को डेबिट और परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट, ऐसे ही कुछ एंट्री पास करेगा. अगर हम इसे डिटेल में देखें तो एग्जैक्टली कहना है कि रिवर्स एंट्री पास करने जा रहा है. कहना है सो क्या कर रहा है, ये परचेज जिसे डेबिट करके रखा था उसे क्रेडिट कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, और सेलर जिसे क्रेडिट करके रखा था उसी को डेबिट कर रहा है, तो रिवर्स एंट्री पास कर रहा है ये, राइट? सेम थिंग विल बी डन बाय द सेलर, है ना? सेलर क्या करेगा, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेगा और बायर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, करेक्ट? तो ये एंट्री पास करने के लिए भी हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जो कि होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ठीक है? सो दोस्तों, आपको यहां पर जिस बात पे ध्यान देना है वो है कि शब्दों को ध्यान से देखना है. देखिए, सबसे पहली बात, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे डिसाइड करोगे आप? बाय लुकिंग एट द जर्नल एंट्री, ठीक है? सो बायर परचेजर ने क्या एंट्री पास करना है? सेलर अकाउंट को डेबिट करना है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है. सो ये सेलर को भेजेगा डेबिट नोट, ये कहते हुए कि प्लीज नोट दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन माय बुक्स, ठीक है? और इसी तरह से सेलर क्या करेगा, सेलर उसे भेजेगा एक क्रेडिट नोट, ये कहते हुए कि भाई साहब बायर, आपका अकाउंट मैंने मेरे बुक्स में क्रेडिट किया है, ठीक है? तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि डेबिट नोट भेजना है कि क्रेडिट नोट भेजना है? दिस इज अ पर्सनल नोट, इसलिए देखा जाएगा कि पर्सनल अकाउंट को क्या किया गया है, एंड हेंस उसके मुताबिक हम लोग इस नोट को बनाएंगे, ठीक है? प्लीज नोट वन थिंग कि जिस तरह से बायर इश्यू कर रहा है डेबिट नोट, ठीक है, ये रिसीव भी कर सकता है क्रेडिट नोट, इसलिए शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है? अगर वर्ड यूज किया है इश्यूड, सो बायर के मुताबिक दिस इज परचेज रिटर्न, सो टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न व्हाट ही विल इश्यू अ डेबिट नोट, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज रिटर्न ही विल रिसीव अ क्रेडिट नोट, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो सेलर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न ही विल इश्यू अ क्रेडिट नोट, वो बनाएगा क्रेडिट नोट, बट एट द सेम टाइम ही विल रिसीव अ डेबिट नोट, ठीक है? आई होप इसे समझ पा रहे आप लोग. तो हम लोग अब अगर वापस आ जाए हमारे क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, यानी कहना है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, ठीक है? तो सेलर भाई साहब इश्यू, वर्ड देख रहे हो इश्यूड, तो इश्यू क्या डेबिट नोट करेगा? नहीं, ये इश्यू करेगा क्रेडिट नोट, ये रिसीव करेगा डेबिट नोट, बट ही विल इश्यू अ क्रेडिट नोट, ठीक है? सो द आंसर इज फॉल्स. टू रिकॉर्ड अ सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक बाय द सेलर, व्हाट ही विल इश्यू इज द क्रेडिट नोट एंड नॉट अ डेबिट नोट, रीजन के साथ, ओके? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द day, we will continue with such questions.